एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द ओलंपियड जूनियर। सो गाइस, ओलंपियड जूनियर के प्लेटफॉर्म पे मैं आपकी कोच डॉक्टर मीनू अरोड़ा आज आप सभी की एक इम्पॉर्टेंट क्वेरी को रिजॉल्व करने जा रही हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स की मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि मैम विच बुक्स आर बेस्ट फॉर ओलंपियाड्स। हमने एसओएफ का एग्जामिनेशन फिल किया है, हमने इंडियन टैलेंट का फिल किया है, सिल्वर जोन का फिल किया है, आप कोई ऐसी बुक बताइए जो बुक हमारी सारे एग्जामिनेशंस में वर्क करें। आप वीडियो में मैं आपके साथ ये शो भी करूँगी लाइव, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट डिफरेंट आपको सिलेबस दिखते हैं। आप अगर सिल्वर जोन से फिल करते हैं, आप अगर एसओएफ का एग्जामिनेशन फिल करते हैं, आप अगर यूनिफाइड काउंसिल का फिल करते हैं, एनएसटीएससी, यूआईएमओ, तो आपको वहाँ दिखाई देता है एग्जैक्टली कि बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे सिलेबस है। बट ऐसा नहीं है ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि आपने कंपैरिजन ही नहीं किया है। ऑलमोस्ट हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक या दो चैप्टर का डिफरेंस होता है, इससे ज़्यादा कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं होता। सिलेबस ऑलमोस्ट हर एक ऑर्गेनाइजेशन का सिमिलर रहता है। तो आज मैं आपके साथ ऐसी बुक्स रेकमेंड करने जा रही हूँ। नॉर्मली ये भी एक रेफरेंस है कि मैम हार्ड कॉपीज़ बताइए, मेरे पर बहुत सारी कमेंटिंग आती है। ऑनलाइन स्टडी मटेरियल वी आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग ऑन आर ऐप। आप हमारे ऐप पे जाके रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, फ्री सैम्पल पेपर्स के रिगार्डिंग, देन ऑनलाइन लाइव क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। देयर आफ्टर अगर आपको सिलेबस चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का तो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। सिंपली आपको इतना करना है कि आपको जो है आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से इन द नेम ऑफ ओलंपियाड जूनियर। जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं तो आपको सिलेबस के अंडर सिलेबस है, फ्री स्टडी मटेरियल में फ्री सैम्पल पेपर्स हैं, आपको ये सब वहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं अपने किड्स का। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे हमारे साथ ऑनलाइन लाइव क्लासेस का। अगर आप अपने बच्चे को प्रिपेयर कराना चाहते हैं देन देयर आर ओनली टू वेज फॉर प्रिपरेशन। नंबर वन, अगर आपको लगता है कि आप खुद प्रिपेयर करा सकते हैं दैट्स गुड एनफ, आप उस बच्चे को खुद प्रिपेयर कराइए। प्रिपरेशन के लिए कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है। सेकंड थिंग, स्टडी मटेरियल आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको लगता है कि ऑनलाइन लाइव स्टडी मटेरियल नहीं होना चाहिए। रीज़न बीइंग, लाइव स्टडी मटेरियल में स्क्रीन टाइम जो है इंक्रीज होता है। तो आज मैं आपके साथ एक बुक्स ऐसी शेयर्स करने जा रही हूँ जिन बुक्स से आपको जो है पूरी रेफरेंस मिलेगी। मैं इन बुक्स के इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स आपके साथ हाईलाइट करूँगी इन द वीडियो, क्योंकि ये बुक्स हम भी जो है ओलंपियाड जूनियर के प्लेटफॉर्म पे बच्चों को रेकमेंड करते हैं। हमारे टीचर्स इन्हीं बुक्स को फॉलो करते हैं, और भी बुक्स फॉलो की जाती हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स जो आप सारे ओलंपियाड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको लाइव वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे ये बुक जो है सारे ओलंपियाड एग्जामिनेशंस के सिलेबस को कवर अप करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप ओलंपियाड जूनियर के प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम आए हैं देन मेक श्योर आप ओलंपियाड जूनियर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओलंपियाड जूनियर के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज जिन बुक्स को मैं आपके साथ रिकमेंड करने जा रही हूँ उन बुक्स का नाम है ओसवाल्ड बुक्स। सो गाइस, ओसवाल्ड बुक्स, द नेम इट्सेल्फ सजेस्ट वन फॉर ऑल ओलंपियाड्स। हमारे इंडियन स्कूल्स और इंडियन स्टूडेंट्स जिन एग्जामिनेशंस को ऑलमोस्ट फिल करते हैं, जो रिनाउंड एग्जामिनेशंस हैं, उनमें है एसओएफ, सिल्वर जोन ओलंपियाड, देन आपका इंडियन टैलेंट ओलंपियाड, यूनिफाइड काउंसिल ओलंपियाड, क्रेस्ट ओलंपियाड, यूनिकस ओलंपियाड, हमिंग बर्ड ओलंपियाड, ग्रीन ओलंपियाड। सो गाइज, ये जो बुक्स है, नाम इन बुक्स का बताता है वन फॉर ऑल ओलंपियाड्स, दैट मीन्स ये बुक्स कवर करती हैं ऑलमोस्ट इन सभी ओलंपियाड ऑर्गेनाइजेशन के सिलेबस को। अगर आप इन बुक्स से पढ़ते हैं और आपने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के एग्जामिनेशंस को फिल किया है तो आपको और कोई भी बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? सेकंड थिंग, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इन बुक्स के की फीचर्स को डिस्कस करूँगी। ये बुक्स मार्केट में अवेलेबल है क्लास 1-2 क्लास 8 के लिए। आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए बुक्स चाहिए होते हैं, मार्केट में काफ़ी कम मटेरियल अवेलेबल है रीजनिंग का, साइबर का,
एंड देयर आफ्टर जनरल नॉलेज का। सो ये सारी यहाँ पे ओलंपियड ऑसवाल बुक्स जो हैं मार्केट में आपको अवेलेबल है, मैथमेटिक्स के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, साइबर के लिए, देन रीजनिंग के लिए, देन साइंस एंड फाइनली इंग्लिश के लिए। ये ऑलमोस्ट आपके सारे सब्जेक्ट्स को कवर करती हैं बुक्स। आज वीडियो में मैं आपके साथ इन बुक्स के की फीचर को डिस्कस करूँगी। अगर आप खुद अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो आपको दो इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो हैं बुक्स में चाहिए होती हैं। नंबर वन, अगर आपने ऑनलाइन लाइव क्लासेस ली हैं देन डेफिनेटली आपको इतना ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया जाता है। देयर आफ्टर वहाँ पे आपको जो है प्रैक्टिस कराई जाती है क्वेश्चंस की, दैट इज़ द मैक्सिमम लेवल, राइट। लेकिन अगर आप अपने किड्स को खुद प्रिपेयर कराते हैं तो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज से पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाना बहुत ज़रूरी होता है। इन बुक्स में जो इम्पॉर्टेंट फीचर है वो सबसे बड़ी ये बात है कि कॉन्सेप्ट आपको जो है एक्सप्लेन किया हुआ यहाँ पे मिलेगा। हर चैप्टर के पहले यहाँ पे डिटेल कॉन्सेप्ट समझाया गया है। जब आप कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को लर्न करने के लिए बच्चे अपने नोट्स बनाते हैं, राइट। क्योंकि हम नॉर्मली क्या करते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स बच्चों को समझाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो इन बुक्स में हर चैप्टर में आपको एक चार्ट मिलेगा। वहाँ पे उस चार्ट में आपके पास प्रॉपरली डिटेल्ड जो पूरे चैप्टर में पढ़ाया गया है, पूरे चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया गया है, वहाँ पे आपको एक क्रक्स में मिल जाएगा ओनली इन वन पेज। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट की फीचर ऑफ दिस बुक। और भी बहुत सारे की फीचर्स हैं जो वीडियो में मैं आपके साथ पूरा डिटेल में डिस्कस करूँगी। प्लीज़ वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि वीडियो में मैं आपके साथ एक कूपन कोड भी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से बुक को परचेस करते हैं और लिंक पे जाने के बाद आप कूपन कोड को अप्लाई करते हैं तो यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, बट दिस कूपन कोड इज़ वैलिड टिल 10th ऑफ August। तो आपको ध्यान रखना है, आपको परचेज करना है 10th ऑफ August से पहले। डोंट वरी अबाउट दैट, अगर आप उस टाइम तक परचेज नहीं भी करते तो भी आपको अच्छे डिस्काउंट्स पे इन लिंक्स के थ्रू बुक्स को आप परचेज कर सकते हैं। सेकंड थिंग, दिस बुक इज वेरी कलरफुल बुक। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग योर ड्रीम्स इज हैविंग द राइट कोच। गेट द बेस्ट एजुकेशन विद ओलंपियाड जूनियर एंड मेक योर ओलंपियाड ऑनलाइन क्लासेस ड्रीम्स कम ट्रू। डाउनलोड द ऐप नाउ। इसमें कलरफुल क्वेश्चंस हैं, कलरफुल इमेजेस हैं। हमारे एग्जामिनेशन जो है ओलंपियड्स के, सारे एग्जामिनेशन नॉर्मली फिगर्स और इमेजेस पे बेस्ड होते हैं, तो जितनी ज़्यादा कलरफुल इमेजेस जो हैं डिस्क्राइब की जाती हैं बुक्स में, उतना ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट लेके बुक्स को पढ़ते हैं। थर्ड थिंग यहाँ पे जो मैं इम्पॉर्टेंटली डिस्कस करना चाहूँगी इन बुक्स के बारे में, यहाँ पे अगर मान लीजिए आप लेवल 1, लेवल 2 और मेनली अचीवर सेक्शन, आपको ये पता है कि पूरे एग्जामिनेशन में अगर बच्चे ने अचीवर सेक्शन अटेम्प्ट नहीं किया तो बच्चे का जो मेजर पार्ट है अचीवर सेक्शन का, अचीवर सेक्शन के क्वेश्चंस की मार्किंग जो है हैवी मार्किंग होती है, तो अचीवर सेक्शन का पार्ट जो नॉर्मली लास्ट में पेपर के 5 क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली 35 to 40th, अगर इन क्वेश्चंस को बच्चे ने अटेम्प्ट नहीं किया तो बच्चा कभी भी रैंकिंग में नहीं आ सकता। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है स्पीड को मेंटेन करना, प्लस अचीवर सेक्शन के क्वेश्चंस का आपको आइडिया होना। आप अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पेपर्स को उठाएंगे तो लास्ट वाला जो पार्ट होता है पेपर का, दैट इज़ अचीवर सेक्शन क्वेश्चंस। तो इस बुक की जो एक ख़ास बात है वो ये है कि लेवल 1 के लिए अगर आप प्रिपेयर करते हैं तब भी आपकी ये बुक यूज़ होगी। लेवल 2 में अगर आपका बच्चा क्वालिफाई होता है देन आपको नो नीड टू बाय अनदर बुक, बिकॉज इन दीज बुक्स दे हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल द लेवल 2 क्वेश्चंस। थर्ड थिंग, अचीवर सेक्शन के क्वेश्चंस जो आपको अलग से प्रैक्टिस करने हैं, जो चीज़ पहले मैंने आपको बताई कि अगर आप अचीवर सेक्शंस के क्वेश्चंस को मिस करते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में तो आप रैंकिंग में नहीं आ सकते, तो आपको अचीवर सेक्शन के क्वेश्चंस को स्पेसिफिकली प्रिपेयर करना है। मैंने बहुत सारी बुक्स मार्केट में देखी हैं, बहुत सारी बुक्स हम लोग यूज़ भी करते हैं अपने ओलंपियाड लाइव क्लासेस में पढ़ाने के लिए, बट
strongly I recommend this book because this book includes level 1 questions, level 2 questions, as well as there is a specific section of achievers question. अब देर आफ्टर अगर आप लाइव क्लासेस नहीं ले रहे हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि स्टडी मटेरियल आपका इतना अच्छा होना चाहिए कि आप एटलीस्ट उस स्टडी मटेरियल से, क्योंकि ओलंपियड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी आते हैं, तो उसमें आपके लिए मेजर ये पॉइंट होना चाहिए कि जहाँ पे ट्रिकीनेस है क्वेश्चन में, एट टाइम्स पेरेंट्स नहीं समझ पाते, एट टाइम्स इवन टीचर्स भी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. सो देयर इज अ एक्सप्लेनेटरी आंसर इन दिस बुक. आपको हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेटरी आंसर मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्ट का, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस का. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बुक. नॉर्मली आप जितने भी मटेरियल देखते हैं मार्केट में, आंसर्स कैसे दिए होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ए आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 सी आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 डी आंसर. और जब बच्चा ए सी डी पढ़ता है या पेरेंट्स पढ़ते हैं तो एट टाइम्स देयर इज अ कन्फ्यूजन, हाउ द आंसर्स विल कम लाइक ए, हाउ द आंसर विल टर्निंग अप लाइक बी. तो यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है. दिस बुक कवर्स ऑल द एक्सप्लेनेशन, राइट. बुक का जो इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. मेरी बहुत सारी पेरेंट्स से बात होती है, जब मैं उनको कहती हूँ कि स्टडी मटेरियल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इंक्लूडेड है, देन दे नॉर्मली सेड लाइक दिस, मैम हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, हमें नहीं चाहिए, राइट. तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ. देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके पास होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर पेपर्स जब आपके पास होते हैं तो वहाँ पे आप कभी भी स्प्लिट अप नहीं करते चैप्टर वाइज. आप जब भी अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, जब भी अपने किड्स को पढ़ाते हैं, तो नॉर्मली आप क्या करते हैं, आप एक चैप्टर पढ़ाते हैं. तो ज़रूरी है कि उसी टाइम, चैप्टर के टाइम पे आप उन बुक्स को जो है उस चैप्टर में, आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन चैप्टर वाइज जो है स्प्लिट अप होनी चाहिए. यहाँ पे इस बुक का जो प्लस पॉइंट है, इस बुक में हर चैप्टर में आपको 2022-23 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स काफ़ी हद तक क्लब किए हुए मिलेंगे, ताकि जब आप अपने बच्चे को पढ़ाएं तो उस टाइम पे बच्चा चैप्टर करते टाइम ही इन चीज़ों को प्रॉपरली कवर अप कर पाए और बच्चे के माइंड सेट प्रॉपरली हो जाए, माइंड में एक आइडिया लग जाए कि एग्जैक्टली इस बुक को पढ़ने के बाद मैं पेपर को अच्छी तरह क्वालिफाई कर पाऊँगा, क्रैक कर पाऊँगा. नाउ लास्टली नॉट द लीस्ट, यहाँ पे इस बुक का जो प्राइस है वो अप्रॉक्स हमारा स्टार्ट होता है बिटवीन 225 से लेके 400 रुपीस तक की सारी बुक्स है. ये बुक्स आप परचेज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से, और अगर आप इनको 10th ऑफ अगस्त तक परचेज करते हैं तो ऑलरेडी ये बुक्स डिस्काउंटेड प्राइस पे हैं इन लिंक्स पे. अगर आप इनको परचेज करते हैं तो आपको इन बुक्स पे एडिशनल 10% डिस्काउंट जो है मिलेगा बाय अप्लाइंग अ कूपन कोड ऑफ ओलंपियाड 10 इन ऑल द ओलंपियाड बुक्स ऑफ ग्रेड 1 to 8. तो आप इन बुक्स को जो है परचेज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में. लास्ट एक फीचर जो अभी इस बुक का मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है वो है, इस बुक के लास्ट में आपको फुल फ्लेज्ड सैम्पल पेपर्स मिलेंगे. यहाँ पे लेवल 1 और लेवल 2 के एक एक सैम्पल पेपर यहाँ पे गिवन है बुक में, जिसमें जब आप एक पूरी तरह से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपको एट लास्ट जो है प्रॉपरली आप जो है इन सैम्पल पेपर्स को कर सकते हैं. गाइज, होप सो आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा. नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप बच्चे को प्रिपेयर कराएं तो आप OMR शीट्स के साथ प्रिपेयर कराएं. सो गाइज, आप वीडियो जो है वॉच कर सकते हैं OMR शीट के रिगार्डिंग भी. प्लेलिस्ट में जाके आप डिटेल वीडियोस को चेक कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस आपको ओलंपियड के रिगार्डिंग यूज़फुल लगेंगी. सो गाइज, हमारे ऐप को डाउनलोड करना नहीं भूलिएगा. ओलंपियड जूनियर का ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपकी सारी ओलंपियड इंक्वायरीज को रिजॉल्व करता है. ओलंपियड जूनियर का प्लेटफॉर्म हमेशा आपके साथ रहेगा. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.